राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता होगा ही कि जल्द ही नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, तो इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज हम एक दुर्गा माता की प्रतिमा बनाना सीखेंगे। बेसिकली तीन पार्ट्स होंगे इस वीडियो के। पार्ट वन, ये वाला जो वीडियो है इसमें हम महिषासुर, साथ में सिंहराज और तथा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम दुर्गा माता को बनाना सीखेंगे। और पार्ट थर्ड में, यानी कि लास्ट पार्ट में, उसमें हम दुर्गा मूर्ति को कलर और डेकोरेट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको एक दुर्गा माता की मूर्ति बनानी है, खासकर महिषासुर मर्दिनी के पोज में, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। हमारा सबसे पहला काम एक बेस तैयार करना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वुडन स्लैब का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे आयरन का कील लिया है, ये मिलता है ना लोहे का कील, सभी के घरों में होगा, इसी का यूज किया है मैंने। और कुछ गैप दे देकर मैंने इसे कहीं कहीं ठोक लिया है। इसके बाद मैंने चार अलग अलग साइज में लकड़ी यूज किया है। इन सबको हम अच्छे से कील में अटैच कर लेंगे। लकड़ियों को अच्छे से अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले यूज किया हूँ। आप अगर चाहो तो इसकी जगह आप एमसिल जो आता है ना, उसे यूज कर सकते हो, और या फिर आप इसे धागे से स्ट्रॉन्गली बांध भी सकते हैं। दुर्गा माता की इस प्रतिमा को बनाने के लिए मैंने ना काली मिट्टी का यूज किया है। ये मिट्टी मैंने कैसे तैयार किया है, अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जल्द ही इस पर एक वीडियो लाऊंगा। तो चलिए अब मूर्ति बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भैंसे को बनाना सीखेंगे। तो भैंसे को बनाने के लिए मैंने मिट्टी का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, लाइक सिलेंडर शेप में, पीछे से थोड़ा मोटा और आगे से पतला, ठीक है। इसके जस्ट पीछे मैंने शेर को बनाने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। और अब आप देखिए, मैं भैंसे में कहाँ कहाँ मिट्टी ऐड कर रहा हूँ। मिट्टी ऐड कर लेने के बाद पानी की मदद से कुछ ऐसे क्लीन कर लेना है, आगे से, पीछे से, हम सभी जगहों से अच्छे से क्लीन कर लेंगे पानी की मदद से। हमने भैंसे का बॉडी स्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया है, अब चलिए उसके पैरों को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी का यूज करेंगे और उसे कॉइल का शेप देंगे। आप ध्यान से देखिए मैं मिट्टी का कॉइल कैसे बना रहा हूँ। इसी तरीके का हम दो कॉइल क्रिएट करेंगे मिट्टी का। देखिए, हमने दोनों कॉइल को तैयार कर लिया है। चलिए अब इसे भैंसे में अटैच करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए मैं कहाँ कहाँ और कितने गैप में इसे अटैच कर रहा हूँ। दोनों कॉइल को अच्छे से लगा लेने के बाद आप इसे ब्रश की मदद से और हाथों की उंगलियों की मदद से अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा मिट्टी लेंगे और एक मिट्टी का बॉल क्रिएट करेंगे। इसके बाद मैं एक क्ले टूल का यूज कर रहा हूँ और बॉल के बीचों बीच इस क्ले टूल की मदद से एक चिन्ह लगाएंगे। आप इसकी जगह सुई का भी यूज कर सकते हैं और इसे भैंस के पिछले पैर के नीचे ऐसे कुछ अटैच कर देना है। और अब देखिए, इसके बाद मैं एक क्ले टूल का यूज कर रहा हूँ और इसी का यूज करके हम भैंस के पूरे शरीर पर लाइंस क्रिएट करेंगे। और अब चलिए भैंसे के मेन पार्ट, यानी उसके चेहरे को बनाना सीखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो में मैं किस प्रकार भैंसे के चेहरे को बना रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं मिट्टी ऐड कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ से मैं मिट्टी हटा रहा हूँ और किस प्रकार मैं भैंसे के चेहरे को बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए वीडियो में। अब इसके बाद थोड़ा सा मिट्टी लेना है और उसे एक पतले कॉइल के शेप में देना है। उसके बाद देखिए आप, मैंने बीचों बीच उसे कुछ प्रेस किया है इस प्रकार, ताकि कुछ गड्ढा बन जाए। और इसके बाद मैंने किनारे किनारे से कुछ ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ दिया है और इस प्रकार आप एक भैंसे के सींग को बना लेंगे। और अब देखिए, मैं एक क्ले टूल का यूज कर रहा हूँ और भैंसे को नाक को बनाएंगे। भैंसे के नाक को बनाने के लिए सिंपली आपको दो छेद करना है, कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हो। इसकी जगह आप सुई का भी यूज कर सकते हो या फिर कोई नुकीली पार्ट्स का यूज कर सकते हैं आप। अब देखिए, मैंने एग्जैक्ट भैंसे के नाक के ऊपर थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड किया है। और अब ध्यान से देखिए मैं और इसके बगल बगल में कहाँ कहाँ मिट्टी ऐड कर रहा हूँ। मिट्टी ऐड कर लेने के बाद ब्रश की मदद से आप क्लीन कर लीजिए। उसके बाद देखिए, ये भैंसा मैंने तैयार कर लिया है। इसके बाद मैंने कुछ आईज बनाया उसका और बगल बगल में दो कान लगा लिया। बस सिंपली आपका भैंसा बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए हम माता दुर्गा के वाहन यानी सिंहराज को बनाना सीखते हैं। तो सिंहराज को बनाने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट करना है आप को मिट्टी का, और उसके बाद भैंसे के जस्ट पीछे आपको जो लकड़ी है उसके अंदर कुछ ऐसे घुसा लेना है। और इसके बाद चलिए हम शेर के पैरों को बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए आपको एक मिट्टी का कॉइल तैयार करना है। ऐसे मैं चार कॉइल तैयार करूंगा। आप ध्यान से देखिए मैं मिट्टी का कॉइल कैसे क्रिएट कर रहा हूँ और उसे कहाँ कहाँ से मोड़ रहा हूँ, कहाँ कहाँ से बेंड कर रहा हूँ और कैसे मैं अटैच कर रहा हूँ। दो कॉइल पीछे लगा लेने के बाद अच्छे से हाथ में पानी लगाकर, ब्रश में पानी लगाकर उसे क्लीन करिए आगे से, पीछे से, ताकि वह बाद में टूटे ना। देखिए, ठीक इसी प्रकार से मैंने शेर के चारों पैरों को बना लिया है।
और अब चलिए हम राक्षस महिषासुर को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम महिषासुर का पैर को बनाएंगे, तो उसके लिए आपको मिट्टी का कॉयल बनाना है। कॉयल कैसे बनाना है ये आप सभी को मालूम चला गया होगा अब तक। आप ध्यान से देखिए मैं मिट्टी का कॉयल कैसे बनाया हूँ। ऊपर से मैंने थोड़ा मोटा किया है, उसके लिए मैंने मिट्टी अटैच किया है कुछ कहीं कहीं, और नीचे मैंने पतला रखा है। इसके बाद जो लकड़ी भैंस के अंदर से बाहर आ रहा है उसी में हम दो कॉयल बनाएंगे और कुछ ऐसे बेंड करके उन दोनों को अटैच कर लेंगे। देखिए इंसान का पैर हो या फिर जानवर का या फिर राक्षस का, सब टेक्निक वही है। पैर या हाथ को बनाने के लिए आपको मिट्टी का कॉयल क्रिएट करना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से टेक्निक है, बस अलग अलग डिजाइन चेंज हुआ है। देखिए दोनों पैरों को अटैच कर लेने के बाद हम पीछे से भी अच्छे से अटैच कर लेंगे। कुछ जगह मिट्टी ऐड करेंगे और पानी लगाकर क्लीन कर लेंगे। इतना सब कुछ कर लेने के बाद अब चलिए महिषासुर का शरीर बनाते हैं। तो उसके लिए आपको ढेर सारा मिट्टी लेना है और कुछ इस शेप में आपको, यानी रेक्टेंगल शेप देना है इस मिट्टी को। आप ध्यान से देखिए मैं किस प्रकार रेक्टेंगल शेप इसे दे रहा हूँ। मिट्टी को अच्छे से शेप दे लेने के बाद आप देखिए दोनों पैरों के बीच में, जो महिषासुर का दोनों पैर है उसके बीचों बीच लकड़ी के अंदर आपको घुसा लेना है इसे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आप वीडियो में ध्यान से देखिए मैं कहाँ कहाँ महिषासुर के अंदर मिट्टी दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ मिट्टी अटैच कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मिट्टी ऐड कर रहा हूँ, आप वीडियो में देखिए ध्यान से। मिट्टी ऐड कर लेने के बाद आप पेंटिंग ब्रश की मदद से पानी लगाकर अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अब हम महिषासुर के दोनों हाथ को बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको शोल्डर बनाना होगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा मिट्टी आरी आरी लगा दिया है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद बीच में मैंने गर्दन के शेप में मिट्टी ऐड कर लिया है। अब देखिए मैं चेस्ट बनाऊंगा, तो उसके लिए मैंने कहाँ कहाँ मिट्टी ऐड किया है, किस प्रकार मिट्टी ऐड किया है आप देखिए वीडियो में। और अब चलिए हम महिषासुर के हाथ को बना लेते हैं। तो हाथ को बनाने के लिए सेम उसी टेक्निक का यूज करेंगे, दो कॉयल बनाएंगे, ऐसे कुछ कॉयल बनाना है आपको मिट्टी का। ऊपर से थोड़ा मोटा होगा, नीचे से थोड़ा छोटा, मेरा मतलब पतला। कॉयल बना लेने के बाद मैंने स्केल की मदद से कुछ ऐसे कट कर लिया है। इसके बाद मैं एक क्ले टूल का यूज कर रहा हूँ और हाथ के बीचों बीच हम कुछ ऐसे चिन्ह लगाएंगे ताकि बेंड हो सके आसानी से। सेम इसी टेक्निक का यूज करके मैंने एक और हाथ बना लिया है महिषासुर का। और इसके बाद महिषासुर के शोल्डर में हम दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार से अटैच कर लेंगे। आप वीडियो में देखिए ध्यान से मैंने किस प्रकार महिषासुर के हाथों को अटैच किया है। और अब चलिए हम हाथ के फिंगर्स को बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मिट्टी लिया है, उसे हम कुछ इस तरह से एकदम पतला पतला कॉयल देंगे, मिट्टी का तैयार करेंगे। ऐसा हम चार कॉयल तैयार करेंगे एकदम पतला पतला। आप ध्यान से देखिए वीडियो में मैं किस प्रकार कॉयल बना रहा हूँ। देखिए ऐसे हमें चार कॉइल बना लेना है और नीचे के साइड से कुछ ऐसे प्रेस करना है। देखिए किस प्रकार मैं प्रेस कर रहा हूँ, उसी प्रकार आपको प्रेस करना है। इसके बाद मैंने मिट्टी लिया है और कुछ इस प्रकार से उसी पर अटैच कर देना है आपको। ये हाथ थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसीलिए मैंने एक दूसरा हाथ बनाया सेम इसी टेक्निक से, एक छोटा सा। इसके बाद लास्ट में हम एक थंब यानी अंगूठा बनाएंगे और उसे कुछ इस तरीके से अटैच कर लेना है हमें। लीजिए आपका तैयार एक प्यारा सा सुंदर सा हाथ। महिषासुर का चेहरा, शेर का चेहरा और माता दुर्गा को हम अगले पार्ट में बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ये रहा फाइनल लुक। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे।